भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां विकास गिना रहे हैं, वहीं कांग्रेस और विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, सनातन धर्म का अपमान करने वालों को लेकर सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। सनातन धर्म का अपमान करने वालों को इंडिया गठबंधन से हटाया जाना चाहिए। कमलनाथ, दिग्विजय भी जवाब दें। जन आशीर्वाद यात्रा को खरगोन जिले में जनता का खूब प्यार मिला। खरगोन जिले के भिकन गांव में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रोड शो और सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया, तो वहीं विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मात्र रूपेण संसिता नमस्तस्यै नमो नमः। बिना ब्याज का लोन देने की व्यवस्था। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग परेशान है, रोज मुझे गाली देते, अंधेरे में पोस्टर चिपका जाते हैं मेरे खिलाफ। उनको लगता है ये जेल हड्डी का पता नहीं कब हटेगा। हमारा नंबर आने नहीं देना। और इसलिए उन्हें कितना जुलूम किया जब उनकी सरकार आई, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। मेरे भांजे भांजी अभी दौड़ रहे थे रथ के आगे, मामा ओ मामा 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 मामा। अब इनकी पढ़ाई की चिंता मत करना, इनकी व्यवस्था हम करेंगे। अब पांचवी पास करके छठवी दूसरे गांव जाए। भारत माता की आज जन आशीर्वाद यात्रा को सनातन धर्म को हटाने का, आज जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का प्यार और विश्वास खरगोन जिले में मिला है। गांव गांव में जनता उमड़ गई और भरपूर प्यार और विश्वास दिया है। हमारा भी संकल्प है कि हम जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। हम सरकार नहीं, परिवार चला रहे हैं और अपने परिवार मतलब मध्य प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए विकास के काम और जन कल्याण के काम दोनों कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। सनातनियों को सबक देखिए, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये मानसिक रूप से दिवालिया कुछ लोग हो गए हैं। मैडम सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि जिनके साथ मिलकर उन्हें INDA बनाया, उनके लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, डेंगू और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सोनिया गांधी का उनका समर्थन करती है क्या? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनका समर्थन करते हैं? और नहीं करते तो उनको गठबंधन से हटाओ। खरगोन से जाकिर खान की रिपोर्ट।